गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ में मस्ती होंगे। तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक न्यू और छोटे से ब्लॉग में। तो गाइस आज के ब्लॉग में जो होगा, इसके जो है रेम में ब्लैक कर दिया। पहले ब्लैक थे, पर पहले इसके ऊपर जो थी वो मैट ब्लैक स्प्रे थी, तो अब मैंने ना इसके ऊपर जो है ब्लैक कर दिया। कौन सा जो सिंपल होता है नैरोलैक्स का, नैरोलैक्स का ही वो कर दिया मैंने इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे जंग आने स्टार्ट हो गया था। और जो इससे वो अरे कहना क्या चाहते हो, ब्लैक थी ना, मैट ब्लैक जो स्प्रे थी वो निकल जा रही थी उसके ना, जो क्या बोलते हैं उसके जो पपड़ियाँ जा थी ना वो निकल गई थी सारी, यहाँ की निकल गई थी। तो यहाँ पे तो मैंने इसका करवा दिया ब्लैक कलर का, इसलिए खुद ही 40 रुपये का डिब्बाया ब्रश था मेरे पास और मैंने कर दिया उसका। मैंने वीडियो नहीं बनाया, कल बारिश थी तो मैंने कल वही काम किया, यहाँ पे भी कर दिया। और इसमें हम पता क्या करेंगे अब, ये जो है ना इतनी इतनी जो जगह है हम यहाँ पे वाइट टेप डलवाएँगे, ठीक है, वाइट वाइट टेपिंग करवा देंगे हाफ में यहाँ पर और यहाँ पर। तो उसकी वजह से जो टायर की जो लुक होगी वो चेंज हो जाएगी। पीछे भी हम वही करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे भी हम वही करेंगे। और पेंट जो है पूरा सूखा नहीं है, ये देखो गाइस लग रहा है। और कल तो मैंने पूरे हाथ वगैरह गंदे कर लिए थे, अभी तक पेंट सूखा नहीं है। पर चलो लगा देंगे हम टेप, चिपक जाएगी। और थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पर देख सकते आप ये निकल दिया है टेप, तो इसको भी ठीक करवाएंगे, है ना। और यहाँ पे भी मैंने खुद ही पेंट कर दिया, देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे भी जंग आने स्टार्ट हो गया था। और ये चीज़ भी हम करवाएंगे ठीक है, इसके लिए तो मैंने साइड चैनल मंगवा लिए है ना, वो आ जाएंगे तो उसको हम खुद इंस्टॉल करेंगे। वो आएंगे सिल्वर कलर में, यहाँ पे लगोगे ना तो यहाँ से अटैच हो जाएंगे, तो जो यहाँ से ये गंदा मतलब लगे या ना रगड़े वगैरह ये सब ठीक हो जाएंगे। और मीटर की वायर अभी तक नहीं मिली है भाई, पता नहीं कब तक मिलेगी। A few moments later. जा रहे हैं हम गाइस, पहले गए थे तो बीड़ी अच्छे से नहीं बनी थी, अब दोबारा से जाते हैं शॉर्ट रास्ते से। और देखो गाइस कितनी क्लोज है ये, हाँ बस गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, तो हमारा काम नहीं हो पाया वहाँ पे। अब करेंगे देखते क्या होता है। और ये वाइड एंगल बहुत ही अजीब सा चल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है इस वाइड एंगल की। और वो इसका पता नहीं, और दुकान भी आ गई है और हमारा काम अभी तक भी नहीं होगा, और मुझे जितना की पता है नहीं हो जाएगा। और ये डोमिनार को हो रही है, डोमिनार का वाइजर भी हो गया। करी के ही जाते हाड़े कम में कह नहीं कर रहे थे पहले ही, बड़ा ओट देन लग रहा कलर ब्राउन कलर का वो जड़ा हान में दिस्ती अगला था, वो भी ठीक लगा हाँ। यही कलर कराया हबल है ना, वही कलर करवाया हबल है। नहीं नहीं बंदे भाई का बर्फ है ना। A few moments later.
सो गाइस फाइनली हमारी बारी भी आ चुकी है, क्योंकि इतने टाइम के बाद जो है हमारी थंडर वर्ल्ड का भी काम जो है स्टार्ट हो चुका है। पूरा का पूरा दिन वेस्ट करने के बाद जो है हमारी थंडर वर्ल्ड की टर्न आ गई। और गाइस मैं जो वॉइस ओवर हूँ वो बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि हाईवे के साथ में शॉप है तो उसकी वजह से जो है बहुत ही नॉइस आ रहा था, तो ऑडियो जो है अच्छी से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो थोड़ा सा भी अभी जो रीमो मॉडिफाई की है वो कैसे लग रही है, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा, क्योंकि तबीयत जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और ब्लॉग भी बहुत देने के बाद आ रहा था। इसका कारण ये है कि मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा हूँ, तो उसकी वजह से ब्लॉग जो वो नहीं आ पा रहे हैं। तो गाइस जब ठीक हो जाऊँगा मैं तो फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू ब्लॉग करेंगे, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मॉडिफिकेशन कैसे लग रही है, ठीक है। तो गाइस ये करवा दिए सारी, ये देखो। और ये जब चलेंगे तो थोड़ी स्पीड में होगी ना, तब इसकी लुकिंग अल्टीमेट आती है। और इसके जो सोकर है वो भी करवा दिया हमने, गोल्डन दोनों साइड की करवा दी है। ये देखो पिछले टायर से भी करवा दिए है, देखो पिछले टायर। और अब ऐसे लुकिंग आ रही है इसकी।